आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 से फिट इंडिया मूवमेंट अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गोरखपुर के मानीराम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को कैनवास बॉल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। रविवार को डॉक्टर्स 11 और मीडिया 11 के बीच 10-10 ओवर का क्रिकेट मैच खेला गया। विस्तृत क्षेत्र में फैले दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में खेले गए इस क्रिकेट मैच को मीडिया 11 ने 2 ओवर शेष रहते ही 9 विकेट से जीत लिया। डीपीएस के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा ने दोनों टीमों के सदस्यों से परिचय प्राप्त किया और फिर मैच शुरू हुआ। डॉक्टर्स 11 ने टॉस जीतकर बैटिंग शुरू की। 10 ओवर में 7 विकेट पर 80 रन बनाए गए। जवाब में मीडिया 11 ने 2 ओवर शेष रहते ही 1 विकेट गंवाकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। सर्वाधिक 54 रन मीडिया 11 की तरफ से विकास मिश्रा ने बनाए। मीडिया 11 के ही गेंदबाज अरुण रावत ने सर्वाधिक विकेट भी लिए। प्रिंसिपल विजय कुमार मिश्र ने अमेज नाउ से बात करते हुए बताया कि पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, उसी के तहत हम लोग उस मूवमेंट को और उस मूवमेंट के जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग यहाँ आज दिल्ली पब्लिक स्कूल के परिसर में अपने ग्राउंड में एक क्रिकेट मैच का आयोजन करवा रहे हैं। इसमें बेसिकली गोरखपुर के डॉक्टर्स और यहाँ के मीडिया पर्सन्स, इन दोनों के बीच एक क्रिकेट खेला जा रहा है और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है और फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।